पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में समझते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में शासन की जिम्मेदारी नेताओं को दे दी गई है, जो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो, अन्ना भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अजीब चीज होता है, जो कभी बॉर्डर पर नहीं दिया, कभी उसे रक्षा मंत्री बना दिया जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी रहे उसे शिक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो हम इसमें बात नहीं करते, मेन करते हैं कानून बनाने के लिए। आप देखते होंगे कि नेता इतने लंबे लंबे कानून बना देते हैं, जीएसटी का भी, जीएसटी पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है, नेता जीएसटी जैसे विधेयक पारित कर देते हैं, आखिर इनको ये दिमाग देता कौन है। तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को सहायता देने के लिए, कानूनी सहायता मतलब उसको कौन सी कानूनी चाहिए, विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। क्या कहेंगे? महान्यायवादी। महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी आपको पढ़ा लिखा जरूरी है, तो इसकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता है, लेकिन जितना पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उतनी ही ये भी पढ़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट है, तो आपकी भी तो योग्यता एक डीएम के बराबर है, एक आईएएस के बराबर, क्योंकि आईएएस को भी ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको भी ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप में और डीएम में क्या समानता थोड़ी है, आप शेर और सुअर का अंतर है। तो ये जज के जो जितना पढ़ा लिखा जज होना चाहिए उतना ही पढ़ा लिखा ये भी होना चाहिए। अब जज की योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, कि वो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकील रहा हो, यही योग्यता होती है। तो इनकी योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। यही पूरे सरकार को एक तरह से कहिए कि जितना विधेयक पारित होता है सारा सारा यही सब हिसाब देते हैं। सर सरकार को यही समझाना होगा कि 370 में कैसे संशोधन किया जा सकता है, 3 तलाक को कैसे हटाया जा सकता है। इतने बड़े बड़े जो डिसीजन लिए गए ये महान्यायवादी ही बताते हैं, जिन्हें हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अब ये महान्यायवादी अकेले सरकार का संभालते संभालते पागल हो जाएंगे, इनको भी एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, सहायक की। तो इनकी सहायता करता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? अटॉर्नी जनरल का। तो एक अटॉर्नी जनरल हो गया, एक उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल हो गया। ये छोटा मोटा काम इनको दे देते हैं, ये अपना छोटा मोटा काम फाइल भरने का काम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को दे देते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या वर्तमान समय में 4 होती है, जबकि सॉलिसिटर जनरल की संख्या 1 होती है और अटॉर्नी जनरल की भी संख्या 1 होती है। तो एक अटॉर्नी जनरल हो गया, उनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल हो गया, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए। ये छोटा मोटा काम करते हैं, ये इनको ये फाइनली अप्रूवल ये देते हैं, ये जाके सरकार से बातें करते हैं। अब इनका काम क्या क्या चीज होता है ये समझते हैं। देखिए, ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सरकार का प्रथम विधि यानी कानूनी अधिकारी होता है। सरकार को जहां कहीं भी कानून की कोई जरूरत होती है तुरंत उनकी सलाह के लिए भेजते हैं। ये सरकार का क्या होता है? कानूनी प्रथम सलाह वो विधि अधिकारी होता है। सरकार का कानूनी या विधि सहायता यही देता है। सरकार को जहां भी कानून के मामला में फंसेगी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो 370 हो, या निर्भया को फांसी दिलाना हो, तो सरकार सॉलिसिटर जनरल पहुंच जाएंगे। मेनली तो पहुंचते हैं अटॉर्नी जनरल, लेकिन अगर छोटा मोटा मामला रहेगा तो सॉलिसिटर जनरल को भेज देते हैं। जाइए वहां देखिए, ये भारत के किसी भी न्यायालय में पैरवी या मुकदमा लड़ सकता है। देखिए, मुकदमा लड़ने को ना वकील लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? कि पर डे न्यायालय टाइप का कुछ मुकदमा आता है, तो वकालत के टेक्निकल भाषा में मुकदमा लड़ने को पैरवी कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में कहते हैं मुकदमा लड़ रहा है, इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये भारत के किसी भी मुकदमे में केस लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अब हम बात करते हैं, क्या ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं मुकदमा हो गया, हमारा कोई जमीन हड़प लिया, तो हम सोच रहे हैं किस वकील को रखें। एक काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, जाके पकड़ लेंगे वेणुगोपाल को कि भैया मेरा भी मुकदमा लड़ लीजिए। तो मेरा भी मुकदमा लड़ लेगा, आप समझिए, मेरा मुकदमा लड़ेगा तो हमारे ओर से भी पैसा लेगा, तो सरकार की ओर से भी पैसा लेगा। तब कह दिया गया कि नहीं, यह व्यक्ति निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, अतः इसे सैलरी नहीं दिया जा सकता है। समझ में गया? तो चूंकि यह निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ता है, उससे भी फीस लेता है, अतः अटॉर्नी जनरल को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। उस पर हम चर्चा करेंगे। अटॉर्नी जनरल निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन पता चला हम ही जाके सरकार पर केस कर दिए, मोदी जी पर केस कर दिए, मोदी जी याद करिए 15-15 लाख रुपया ऐसा करके कोई केस कर दिए, तो आप कह देंगे कि अटॉर्नी जनरल तुम ही केस लड़ो,
कहेंगे पगला कहीं के हमको बेरोजगार करेंगे क्या, धरा देंगे अभी मोदी जी हम ही को रख के, हम ही से तुम मुकदमा कराओगे, किसी दूसरे उससे मुकदमा करो, हम मंत्री उन्त्री पे मुकदमा नहीं करते हैं, नहीं प्रधानमंत्री पे करते हैं। तो यह निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता, यह निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ता है, इसीलिए इसे किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन इसे भत्ते दिए जाते हैं, इसे फ्री में बंगला दिया जाता है, मर्सिडीज गाड़ी आती है, भयंकर इनके पीछे सिक्योरिटी लगी रहती है, जेट प्लस सिक्योरिटी रहती है, ये सब तो मिलता है। सैलरी कौन पूछता है, नेता मंत्री के लिए सैलरी मतलब होता है, उतना उतना तो हड़प के बैठ जाता है सर। अब बात करते हैं, इन्हें वेतन नहीं दिया जाता किंतु भत्ते दिए जाते हैं, समझ में आया। अगर ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ना छोड़ देगा तो इसे वेतन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा इसके बारे में संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति का न्याय रख ले, इतना रख ले, इतने हुआ तुम्हारा रख लेंगे। अब राष्ट्रपति का इतनी सारी समझते हैं ना कितना हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति है जहाँ 2-2 लाख रुपए को घोटाला में वोट लिया जाता है, एक कहावत कहते हैं ना कि सोनार के घर का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है, समझिए। आगे समझते हैं, संसद का सदस्य न होकर भी, ये संसद का सदस्य नहीं होता क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर देते हैं, इनकी नियुक्ति और त्याग पत्र कौन लेते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये वकील ठीक ठाक है, ये है, इनको हम क्या कर लेते हैं, नियुक्त कर देते हैं, उनको नियुक्त कर लेते हैं राष्ट्रपति। अतः ये संसद के सदस्य नहीं होते, इन्हें जनता चुनकर नहीं भेजी गई रहती है, अतः ये संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन के में बोल सकता है, संसद के सदन में बोल सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, सरकार पर कोई उंगली उठाएगा कि जीएसटी खराब विधेयक है ये है तो तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, कैसे खराब है, कोई कहेगा ये विधेयक असंवैधानिक है, जैसे CAA NRC को लोग कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत है, तो ये बताएगा कि नहीं ये विपरीत नहीं है, कैसे क्या क्या चीज है, ये सदन में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, वक्तव्य दे सकता है, किंतु जब मतदान होगा तो वह वोट नहीं डाल सकता क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 88 में स्पष्ट बोल दिया है कि संसद में कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं दे सकता है। समझ में आया आप लोगों को, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, अगर वो पद से ऊब गए हैं, त्याग पद देना चाहते हैं तो भी वो राष्ट्रपति को देंगे। अब कहेगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए इनका कार्यकाल 5 साल कोई चर्चा नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब मन तब इनको लतिया सकता है, चल तेरा काम हो गया। अभी इससे पहले KK वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी मोदी जी को चक्कर चक्कर कर रहे थे, इसे नहीं इसे, तो मोदी जी कहेंगे क्या आपने मेहरानू के ना सुने तो तोरा सुनेंगे ना, चल निकल यहाँ पे, राष्ट्रपति को बोले हटा दिए उनको, और दूसरी जगह कौन आ गए, KK वेणुगोपाल एकदम शांति से रहते हैं एकदम। तो ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार को क्या कहते हैं, प्रसाद पर्याय, यानी राष्ट्रपति जब मन तब हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति का मन कब करते हैं आपको पता है, जब प्रधानमंत्री का मत करे, तो इनडायरेक्टली कहा गया है, मतलब डायरेक्टली आप समझते ना, प्रधानमंत्री किसी को पूरा देश चलाता है, नाम लगा देता है राष्ट्रपति का, अर्थात इनका ये 5 साल पूरे 5 साल कार्यकाल के लिए नहीं आते होते हैं, अतः इनको पूर्णकालीन नहीं कह सकते हैं। समझ में गया, कहेगा क्या महान्यायवादी पूर्णकालिक होते हैं, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो उनका 5 साल कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, KK वेणुगोपाल, सोलिसिटी जनरल कौन है, ये तुषार मेहता है, सोलिसिटी जनरल तुषार मेहता, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के, KK वेणुगोपाल। पहले अटॉर्नी जनरल कहेगा तो वो थे MC शीतल वार्ड। अब बात करते हैं कि अगर राज्य सरकार को भी तो कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती होगी, तो राज्य सरकार को कानूनी सहायता कौन देता है, तो अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल होता है जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, वो राज्य सरकार को कानूनी सहायता देगा। ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ये केंद्र सरकार को सहायता देंगे, तो अनुच्छेद 76 में केंद्र सरकार को सहायता और 165 में राज्य सरकार को सहायता, बाकी ये सारी चीजें सेम रहती हैं, ये केंद्र के लिए और ये राज्य के लिए होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।